हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शहरयार। तो दोस्तों वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज के वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच फुटबॉल गेम्स बताने वाला हूं आप लोगों के एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस के लिए। तमाम गेम्स एकदम फ्री टू प्ले है, यानी आप लोगों ने पैसे वगैरह भी नहीं देने और आप लोगों को जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएंगे तो एकदम नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि मैंने इन गेम्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ढूंढने में। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। दो तीन दिन में एक सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहा है मेरे भाई। मुझे पता है मेरा चैनल छोटा है, बट आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहीं से भी कोई भी गेम अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस जो नंबर वन पे गेम निकल करके आते हैं, उस गेम का नाम है फुटबॉल स्ट्राइक ऑनलाइन। ये आप लोगों का जो है ना ऑनलाइन गेम है। इसके अंदर आप लोगों को मैं गेम प्ले बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी रेटिंग्स बताता हूँ। जो प्ले स्टोर पर 4.4 की इसकी रेटिंग है। उसके बाद ये आप लोगों को 100 मिलियन से ज़्यादा इस गेम के डाउनलोड है, यानी कि गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और 77 MB की जस्ट ये गेम है। ये गेम ऑनलाइन है, आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं और आप लोग इसे खुद भी खेल सकते हैं। गेम की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को जो है ना फुटबॉल के अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं और आप लोग इसके अंदर टीम्स वगैरह बना के अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, चेकआउट लाजम से करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सबके सब गेम्स का, तो लाजम से चेकआउट कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकंड गेम की तरफ। तो गाइस जो हमारी सेकंड गेम निकल करके आते हैं, उस गेम का नाम है ड्रीम लीग। यह आप लोगों का एकदम नेक्स्ट लेवल फुटबॉल गेम है। इस गेम के अंदर होता कुछ इस तरह से कि आप लोग अपनी खुद की लीग्स वगैरह बनाते हैं, तो आप लोगों ने फिर इसके अंदर अपने दोस्तों वगैरह को ऐड करके आप लोग टीम अप वगैरह भी कर सकते हैं और आप लोग अपने दोस्तों के खिलाफ भी चैलेंजेस वगैरह कर सकते हैं। गेम की बात करें तो 4.4 की प्ले स्टोर के ऊपर इसके ऊपर रेटिंग दी गई है और उसके बाद आप लोगों को 100 मिलियन से ज़्यादा इस गेम के डाउनलोड देखने को मिल जाएंगे और 526 MB की ये गेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इस गेम को डाउनलोड कर सकना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ भी कंफर्म कर दूँ कि इस गेम के अंदर आप लोगों को काफ़ी तरह के वर्ल्ड कप वगैरह, काफ़ी ज़्यादा टीम्स वगैरह, और उसके बाद आप लोगों को इसके जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगी। गेम को इसको भी लाजमी से चेकआउट करना। हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड गेम की तरफ। तो गाइस जो हमारा थर्ड गेम है वो है द मोस्ट पॉपुलर फीफा मोबाइल वर्ल्ड कप। ये आप लोगों को नेक्स्ट लेवल एकदम गेम है फुटबॉल। आप लोग इसके अंदर, मैं सबसे पहले आप लोगों को रेटिंग बताऊँ भाई, 4.6 की इस गेम को रेटिंग दी गई है। 100 मिलियन से ज़्यादा इस गेम के डाउनलोड्स है और उसके बाद ये गेम आप लोगों को 122 MB के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप लोग अपने पुराने मोबाइल पर भी इस गेम को खेल सकते हैं। गेम के ग्राफिक्स क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर आप लोगों को FIFA 23 का जो है ना वर्ल्ड कप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, चेकआउट करना। ग्राफिक्स क्वालिटी, कैमरा एंगल्स वगैरह, और उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर 3D मोशन वगैरह काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी खेल सकते हैं, यानी कि आप लोगों को इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर टूर्नामेंट्स वगैरह भी होंगे, जिनके अंदर आप लोग अपना खुद का कैरियर, लीग वगैरह भी इस तरह का काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को चीज़ें वगैरह देखने को मिलेंगी। गेम को चेकआउट लाजम से करना। हम लोग बढ़ते हैं अपनी फोर्थ गेम की तरफ। लेकिन उससे पहले बता दूँ यार, डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर सिंपल गेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप लोग इसको प्ले स्टोर से भी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई नहीं, कोई वो आप लोगों की मर्जी से। चलो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अपनी फोर्थ गेम। फोर्थ गेम यार उनके लिए जिनके पास बहुत ही ज़्यादा थका हुआ मोबाइल है लेकिन उनको फुटबॉल गेम खेलनी है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ रियल फुटबॉल। ये गेम आप लोगों के लो एंड से लो एंड मोबाइल के अंदर भी आराम से चल जाए। गेम के साइज़ की बात करें जस्ट 31 MB का, लेकिन इस गेम के भी भाई 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, यानी कि गेम ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये गेम फुली ऑफलाइन है, यानी आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन अकेले आप लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फन वगैरह कर सकते हैं। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोगों के पास पुराना मोबाइल और फुटबॉल गेम खेलनी है तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। हम लोग बढ़ते हैं अपनी लास्ट गेम की तरफ। तो हमारी लास्ट गेम निकल करके आती है, उस गेम का नाम है द फाइनल किक। ये आप लोगों की प्ले स्टोर के ऊपर 4.3 की रेटिंग है इस गेम की। इसके आप लोगों को 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड देखने को मिल जाते हैं। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। ग्राफिक्स क्वालिटी इसकी एकदम नेक्स्ट लेवल है। आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद आप लोग इसके अंदर खुद की टीम्स वगैरह बनाते हैं और उसके बाद आप लोग इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खेल सकते हैं। तो आप लोग इसको चेकआउट लाजमी से कर लेना। गेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ से आप लोग जाकर इस गेम को भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है यार आप लोगों को कोई ना कोई गेम तो अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने अपनी तरफ से 5 की 5 गेम काफी ज्यादा अमेजिंग सेलेक्ट की है। आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट में बताना और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए ये भी यार बता सकते हो आप लोग। तो हम लोग मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।